नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। कहा जाता है कि अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, फिर मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जज्बा उस मंजिल तक आपको खुद ब खुद पहुंचा ही देता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, आज हम आपको मिलवाते हैं रीवा के एक ऐसे नौजवान से जिनका जज्बा पहाड़ों से भी ऊँचा है। नाम उत्कर्ष मिश्रा और उम्र महज 18 वर्ष है। आपको बता दें, 7 साल पहले वर्ष 2015 में उत्कर्ष सड़क हादसे का शिकार हो गए थे और इस हादसे ने लंबी दौड़ लगाने वाले उत्कर्ष के दोनों पैर छीन लिए। लेकिन उत्कर्ष का हौसला अभी भी बुलंद है। उत्कर्ष ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, वर्तमान में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्कर्ष व्हीलचेयर से ही शहर की तंग गलियों से लेकर बड़े बड़े चौराहों और हाईवे में सफ़र करते हैं। और आपकी हैरानी तब और भी ज़्यादा बढ़ेगी जब आपको उत्कर्ष के इरादों के बारे में पता चलेगा। दरअसल उत्कर्ष रीवा से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा व्हीलचेयर से करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है। रोज़ाना वह घंटों इसकी प्रैक्टिस करते हैं और बेहद जल्द वह रीवा से मैहर तक की यात्रा व्हीलचेयर से पूरी कर ट्रायल करने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए उत्कर्ष यह पता लगाएंगे कि रास्ते में किस किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। उत्कर्ष का कहना है कि जम्मू कश्मीर तक जाने के लिए उन्हें व्हीलचेयर को मॉडिफाई कराना होगा। इसके लिए तकरीबन 50,000 से लाखों 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। उत्कर्ष यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह मदद उन्हें सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिल जाएगी। इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्कर्ष जीवन में कुछ बड़ा कर गुजरने की चाहत रखते हैं। उत्कर्ष का कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है और वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। और ऐसा कर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर शहर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इनकी कई वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियन में आ रहे हैं। कॉलेज और स्कूल के दिनों में उत्कर्ष जबरदस्त भाषण दिया करते थे और इसकी वजह से उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उत्कर्ष के पिता का नाम श्रीनिवास मिश्रा है। उत्कर्ष रीवा जिले के सिरमौर अंतर्गत सदहना गांव के रहने वाले हैं। 7वीं कक्षा में ही सड़क हादसे में उत्कर्ष ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। पैर तो हैं लेकिन वो चलने में सक्षम नहीं है। यह सड़क हादसा रीवा शहर के बेला के पास हुआ था, जहां एक इनोवा गाड़ी ने उत्कर्ष और उनके पिता को टक्कर मार दी थी। आइए सुनते हैं उत्कर्ष को, उनका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैया उत्कर्ष मिश्रा। आपके साथ एक हादसा हुआ और इस हादसे में आपने बहुत कुछ खोया, और आगे का आपका क्या प्लान है? आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या कहेंगे? देखिए भैया, हादसे में कुछ खोया नहीं है। चीज़ें इंसान के साथ हो सकती हैं, हो जाती हैं। हादसा हुआ, उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था, तो पैरालिसिस हो गया हूँ। बट अभी भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है कि मैं आगे प्रयास करूँ, चलूँ, ठीक हो जाऊँ। मैं एथलीट में हूँ, मतलब पैरा का खिलाड़ी हूँ, कराटे खेलता हूँ, मार्शल आर्ट। और उसके अलावा मेरा एक छोटा सा टारगेट है, मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने देश का नाम अपने स्तर पर एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाऊँ अपना नाम। तो मेरा ये टारगेट है कि रीवा से लेके कश्मीर तक इस व्हीलचेयर से मुझे जाना है। और ये टारगेट मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ से स्टेडियम थोड़ा सा दूर है, करीब 9 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ पे खेलने जाता हूँ प्रैक्टिस करने। तो एक दिन मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम इतना दूर से कैसे आए हो, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया कि अंकल मेरा इतना दूर घर है, मैं वहाँ से यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम, मतलब वो एकदम अचंभित हो गए कि ये 9 किलोमीटर से व्हीलचेयर चला के कैसे आ सकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इंसान की सोच बड़ी हो जाए तो परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण नहीं रखती। तो उस दिन से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ पे मैं काम करना चाहता हूँ। मैं रीवा से लेके कश्मीर तक व्हीलचेयर से जाके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश का नाम और मेरे देश का नाम विश्व में सबसे आगे आए, जिस तरह विश्व के बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। और हमारी भारत के यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, उनकी वीडियो बना के लोगों को बताते हैं कि विश्व का एक ऐसा आदमी जिसने ये किया वो किया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी विश्व में लिया जाए और मेरे साथ मेरे भारत का नाम भी गौरवान्वित हो। और मैं इस चीज़ के लिए मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूँ कि मेरी व्हीलचेयर को मॉडिफिकेशन करवाने में करीब 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और थोड़ी सी मदद मेरी कर दी जाए अगर सरकार की तरफ से, तो मैं बिल्कुल इस
कार्य को करूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा।